एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों BSNL की तरफ से फिर से यहां पे एक नया अपडेट निकल के आ रहा है, जिस अपडेट के बारे में मैं बताने वाला हूं। जैसे कि BSNL का कोई भी अपडेट रहता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाता है, चाहे अपडेट छोटा हो या बड़ा हो या किसी भी प्रकार का अपडेट हो। तो फिलहाल जो BSNL की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है, उस अपडेट के बारे में मैं आपको बारीकी से एक एक करके समझाने वाला हूं। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं मेन पॉइंट पे, वीडियो को लंबा न करते हुए। सबसे पहले हम हेडलाइन की बात करें तो BSNL का लॉस घटकर जो कि 5367 करोड़ रुपए, रेवेन्यू में मामूली बढ़ोतरी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि BSNL जो कि काफ़ी समय से जो कि लॉस में चल रहा है, यानी कि घाटे में चल रहा है, इसके ऊपर काफ़ी जो कि कर्ज है, जिसकी वजह से इसका जो भी सर्विस है वो सर्विस भी अच्छे खासे जो कि तरह से नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं जो कि अदर टेलीकॉम कंपनी से, जैसे कि जो भी इसको छोड़ करके अदर कंपनी है, वो सारे जो कि प्राइवेट कंपनियाँ हैं, जैसे एयरटेल जियो भी आई, लेकिन एक MTNL भी है। MTNL जो कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और BSNL भी सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन दोनों लॉस में ही चलती है क्योंकि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और यहाँ पे इसके और सारी जो भी सुविधाएँ तो खास करके सही मिलते हैं। जैसे कि अगर रिचार्ज प्लान की कीमत की बात करें तो इसके रिचार्ज प्लान की कीमत में आपको कम कीमत में काफ़ी सारा बेनिफिट भी देखने को मिलता है और भी सारे जो कि बेनिफिट भी आपको कम कीमत में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सर्विस रहता है, सर्विस इसका थोड़ा बहुत जो कि पुअर है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग BSNL को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब फिलहाल जो कि आने वाले समय में या फिलहाल अभी से देखा जाए तो 2024 में BSNL का जो कि बढ़ोतरी धीरे धीरे जो कि जो यहाँ पे इसका इनकम है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो लॉस है यानी कि जो घाटा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और यहाँ पे आने वाले समय में हो सकता है कि यह लॉस से यानी कि घाटे से निकल के आगे आए और अच्छा खासा जो कि सर्विस भी प्रोवाइड करे सभी को। तो यहाँ पे काफ़ी जो कि लोग BSNL 4G का इंतज़ार में भी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे BSNL 4G भी लॉन्च होना शुरू हो चुका है, काफ़ी जगहों पे BSNL का 4G भी लॉन्च हो चुका है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि BSNL का 4G कब तक लॉन्च होगा, अभी और कितना समय लग सकता है, और इसके जो यहाँ पे रेवेन्यू से रिगार्डिंग अपडेट आया है इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम में से। तो चलिए, तो पिछले कुछ वर्षों से मुश्किलों का सामना कर रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम यानी कि BSNL का पिछले वित्त वर्ष में नेट लॉस घट करके 5367 करोड़ रुपए का रहा। इससे पहले वित्त वर्ष में कंपनी का नेट लॉस जो कि 8161 करोड़ रुपए था, इसका लॉस घटने के पीछे खर्चों में कमी और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में बढ़ोतरी प्रमुख कारण है। यहाँ पे ऐसे जो कि कुछ कारण है जिसकी वजह से इसके रेवेन्यू जो कि यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है और घाटा जो है अब यहाँ पे कम हुई है। और यहाँ पे एक बात करें तो यहाँ पे एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे BSNL का ऑपरेशंस से जो कि यहाँ पे रेवेन्यू मामूली बढ़कर जो कि यहाँ पे 19,343.6 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। हालांकि यह केंद्र सरकार की ओर से तय की गए 20,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य से कम रहा है, यानी कि केंद्र सरकार का लक्ष्य था कि इसको यहाँ पे 20,000 तक पहुँचाना, लेकिन यह 19,343 करोड़ तक ही रहा। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का सेल्यूलर सर्विसेज और एंटरप्राइजेज सेगमेंट में से रेवेन्यू घटा है, इसके खर्च जो कि लगभग 2.5% घट करके यहाँ पे 26,683 करोड़ रुपए के रहे हैं। हालांकि कंपनी की एलआईसी कॉस्ट 4.4% बढ़ करके 8,034 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आगे की बात करें तो यहाँ पे BSNL को प्राइवेट और टेलीकॉम कंपनियों से कड़ी टक्कर मिल रही है, यह अपनी 4G सर्विस लॉन्च कर रही है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने देश भर में अपना 5G नेटवर्क शुरू कर दिया है, इससे इन कंपनियों के सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़ी है। तो यह जाहिर सी बात है कि अगर हमें जो कि अच्छे से सर्विस कोई भी कंपनी प्रोवाइड करती है और जो कि अगर थोड़ा बहुत जो कि हमें
जो कि ज़्यादा पैसे भी देने रहते हैं, तो हम वहाँ पे पैसा दे करके अच्छे खासे सर्विस पहले हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छे खासे सर्विस की बात करें तो अभी एयरटेल जियो जैसी कंपनी अच्छे खासे सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन उनके जो भी प्लान हैं, प्लान महंगे हैं, फिर भी उनको लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उनका सर्विस सही है। जहाँ भी जाते हैं सही जगह से जो भी क्षेत्र रहता है वहाँ पर उनको नेटवर्क की सुविधा मिल जाती है। लेकिन BSNL में अभी इसकी समस्या थोड़ी चल रही है और शुरू से ही चलती आ रही है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि यह समस्या BSNL दूर कर दे। हालांकि जो कि बात करें तो हाल ही में BSNL ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तीसरे फेज के लिए लगभग 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। यह लगभग 1.4 जो कि लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसमें 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी गई कंपनियों को 10 वर्षों के लिए ग्राम पंचायत में नेटवर्क को ऑपरेट भी करना होगा। BSNL ने 16 राज्यों और केंद्र शासित जो कि प्रदेशों के लिए बड़ी जो कि बिड मंगाई है। इनमें से कौन कौन से राज्य हैं एक बार हम आपको बताते हैं, उसमें आप अपना राज्य देख लेंगे। क्या आप इस राज्य से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे कि राज्य की बात करें तो यहाँ पे 16 राज्यों की जो लिस्ट है इसमें उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी शामिल है। इस टेंडर की शर्तों के अनुसार जिस जिले के लिए बिड दी जा रही है उसके आधार पर कंपनी की न्यूनतम नेटवर्थ जो कि यहाँ पे 50 से 375 करोड़ रुपए की होनी जरूरी है। और यहाँ पे बात करें तो वित्त वर्ष के केंद्र सरकार ने BSNL को 4G और 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए 89,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज भी दिया था, जिसके ऊपर मैंने पहले ही आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड किया था। तो रिवाइवल पैकेज की बात करें तो काफ़ी बार ऐसे मिले 89 करोड़ रुपये मिले, जो कि 89,000 करोड़ रुपए मिले, 15,000 करोड़ रुपए मिले, 19,000 करोड़ रुपए मिले, ऐसे जो कि काफ़ी बार जो कि रिवाइवल पैकेज मिले, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना करके बहुत पहले आपको प्रोवाइड भी कर दिया था। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे BSNL ने देश भर में कई स्थानों पर लगभग जो कि 3500 4G बेस ट्रांसीवर एस्टेंस यानी BTS शुरू किए हैं। कंपनी के जल्द ही पूरे देश में 4G सर्विस लॉन्च करने की टारगेट रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे BSNL का 4G अभी भी आने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे हर एक अपडेट में हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं BSNL जो कि अपना 4G का सर्विस जो कि BTS के मदद से जो कि प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पे BSNL का सबसे जो कि बड़ा साथ देने वाला अभी बात करें तो यहाँ पे TCS भी साथ है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भी इसका साथ अच्छे खासे दे रहा है, जिसकी वजह से BSNL 4G को लॉन्च कर रहा है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द BSNL ऑल इंडिया ओवर जो कि 4G को प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को अच्छे खासे सर्विस मिलेंगे, जिसके बाद हो सकता है कि इसका रेवेन्यू धीरे धीरे जैसे जो कि लॉस में था BSNL का जो लॉस में चल रहा था वह लॉस जो कि धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे हो कर के ऐसा समय आएगा जब BSNL कर्ज मुक्त हो जाएगा, यानी कि BSNL के ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं रह पाएगा। तो बस यही एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।